हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो टुडे वी हैव टू स्टार्ट जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड वी हैव टू टेक वन टॉपिक दैट इज जॉइंट वेंचर अकाउंट विद सेपरेट सेट ऑफ बुक्स एंड एबनॉर्मल लॉस। तो आई एम टेकिंग टुडेज टॉपिक जॉइंट वेंचर विद एबनॉर्मल लॉस। आज हम ये टॉपिक ले रहे हैं जहाँ पे हमारा एबनॉर्मल लॉस भी इनकर होता है एंड वी हैव टू गो विद सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। और हमारा मेथड कौन सा रहेगा? वो रहेगा सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। तो ये हमने सम करना है। सो आई हैव टू रीड द सम। सबसे पहले मैं थोड़ा सम को रीड का हम कर लेते हैं, देन वी हैव टू गो विद द सॉल्यूशन। दिलीप एंड राज आर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज इंजीनियरिंग कंट्रैक्टर्स। अब हमारे दो को वेंचरर हैं। हमने कहा था ज्वाइंट वेंचर में हमारे को वेंचरर वर्क करते हैं, तो यहाँ पे दिलीप और राज हमारे को वेंचरर हैं। उन्होंने नई मशीनरी को बिल्ड और इंस्टॉल करने का कंट्रैक्ट लिया हुआ है और उनका जो कंट्रैक्ट प्राइस है दैट इज 1,34,000। अब कंट्रैक्ट प्राइस ही हमारी सेल होती है इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर। तो कंट्रैक्ट प्राइस कितना गिवन है? 1,34,000 टू बी पेड रुपीज 84,000 इन कैश। अब 1,34,000 को कैसे दिया जाएगा? 84,000 इसमें कैश मिलेगा और बैलेंस उनको नई कंपनी के शेयर मिलेंगे एज कंसीडरेशन। एक ज्वाइंट बैंक हमने ओपन किया। दिलीप ने कंट्रीब्यूट किया 45,000, राज ने कंट्रीब्यूट किया 20,000। अब उनके प्रॉफिट और लॉस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कह सकते हैं दैट इज 3:2 और दिलीप और राज की शेयरिंग रेशियो होगी 3:2। अब हमारे ये ट्रांजैक्शंस हैं, अमाउंट एडवांस टू सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल 52,000। अब मटेरियल कितना परचेज किया गया ऑन क्रेडिट फॉर ज्वाइंट वेंचर दैट इज 89,000। बाद में क्रेडिटर्स को कितना पे किया गया? 35,400। वेजेस हमने पे किए हैं। अगर हमने वेजेस पेड है, मटेरियल पेड है, इसका मतलब हमने कहां से पे किया होगा? ज्वाइंट बैंक से पे किया होगा। तो वेजेस हमने पे किए हैं 36,000। मटेरियल हमने कैश में परचेज किया, ये भी हमने ज्वाइंट बैंक से परचेज किया। अब मटेरियल सप्लाइड बाय दिलीप। अब दिलीप ने अपने अकाउंट से ज्वाइंट वेंचर बिजनेस को मटेरियल दिया। कितना दिया? 9,250। इंजीनियरिंग सर्विसेज हमने पे की, फी पे की, वो हमारी दिस मच है जो हम ज्वाइंट बैंक से पे करेंगे। अब आ रहा है लॉस्ट बाय फायर। अब हमारे बिजनेस में वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर हुआ, इसका हम ट्रीटमेंट देखते हैं हम क्या करते हैं। उसके बाद हमें अमाउंट ऑफ क्लेम मिला 2,000 और लास्ट में कहते हैं कंट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो गया और हमने प्राइस को ड्यूली रिसीव कर लिया। दिलीप ने सारे शेयर यानी 84,000 तो हमें कैश में मिल गया था, रिमेनिंग शेयर जो मिले थे वो 47,000 के दिलीप ने टेक ओवर कर लिए। राज ने मटेरियल को टेक ओवर किया 2,750 जिसकी वैल्यू है 3,500। अब हमें नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, तो वी आर कमिंग विद जॉइंट वेंचर। तो सबसे पहले हम मेन अकाउंट बनाते हैं जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में हमें दो को वेंचरर ने जितना कंट्रीब्यूट किया उनको हम डेबिट करेंगे और जितना उन्होंने टेक ओवर किया, अगर कोई भी को वेंचरर एसेट को टेक ओवर करता है तो उसको हम जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन किया। मेन अकाउंट हमारा जॉइंट वेंचर का होता है। सबसे पहले एंट्री हमने टोटल परचेज लेनी है जो हमारी गिवन है 89,000। अब यहाँ पे हमने 89,000 की जो हमने क्रेडिटर से परचेज किया, क्रेडिटर मीन सप्लायर से जो हमने परचेज किया 89,000 का मटेरियल होगा, इसकी एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस और
क्रेडिटर, हम यहाँ पे हमने लिखा क्रेडिटर को हमने कितने देने हैं 89,000। उसके बाद हमने वेजेस पे की, अब वेजेस हमने कितनी पे की है, अब ये पहला ट्रांजैक्शन मैंने नहीं लिया, 52,000 का ये एडवांस पे टू क्रेडिटर है, इसके लिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट भी यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हमारा सम एक नया होगा जिसमें हमें क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, टोटल परचेज देखनी पड़ेगी और पेमेंट जो हमने की है वो भी हमें क्रेडिटर को पे करना है। तो पहली भी हमारी पेमेंट क्रेडिटर को होगी और थर्ड भी हमारी पेमेंट क्रेडिटर को होगी, तो ये क्रेडिटर अकाउंट में आएगा। उसके बाद हम चलते हैं वेजेस पे, हमने टोटल परचेज ले लिए 89,000, उसके बाद आते हैं वेजेस पेड है 36,000, इसकी एंट्री होगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट बैंक, क्योंकि हमने बिजनेस के लिए वेजेस पे की हैं, तो इसकी एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, ब्रैकेट में हम लिखते हैं वेजेस, तो इसका अमाउंट होगा 36,000। उसके बाद हमने मटेरियल भी परचेज किया बिजनेस के लिए 2500 कैश पे करके, तो जब कैश वर्ड आएगा तो यहाँ पे हम ज्वाइंट बैंक ही लेंगे, तो हमारी एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट बैंक, मटेरियल कितना हमने पे किया 2500। उसके बाद मटेरियल सप्लाइड बाय दिलीप फ्रॉम ओन स्टॉक, अब दिलीप ने अपने स्टॉक से मटेरियल सप्लाई किया बिजनेस को, तो इसकी एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू दिलीप, अब दिलीप का नेम यहाँ पे आ जाएगा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है मटेरियल, उसका अमाउंट होगा 9250। उसके बाद हमने कंसल्टेंसी फी पे की, तो जो भी पेमेंट हमारी कैश में होती है वो ज्वाइंट बैंक के थ्रू जाएगी, तो ये भी एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट बैंक, तो ये होगा 3250। अब हमने करना है लॉस्ट बाय फायर, अगर कोई लॉस्ट बाय फायर होती है तो उसका नो इफेक्ट, उसका हमने कोई भी इफेक्ट अपने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में नहीं देना, लेकिन उसके बाद हमें क्लेम मिला 2000, जो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला उसकी एंट्री बनती है ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर, हम क्लेम को रिसीव करते हैं ज्वाइंट बैंक में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक, तो ये बनेगा क्लेम रिसीव 2000, तो यहाँ तक हमने कर दिया। उसके बाद अब हमें सेल प्राइस को भी रिसीव करना है, क्योंकि हमें सेल या कंट्रैक्ट प्राइस कुछ कैश में मिला था 84,000, तो इसकी एंट्री हमने बनाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर, मनी इज कमिंग, जब मनी हमारे बिजनेस में आती है तो ज्वाइंट बैंक डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हम करते हैं ज्वाइंट वेंचर को, तो ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में आएगा बाय ज्वाइंट बैंक कैश मिला 84,000। अब रिमेनिंग जो हमारी अमाउंट रह गई थी उसके जो शेयर है वो दिलीप ने टेक ओवर कर लिए, दिलीप ने सारे शेयर को टुक ओवर कर लिया, ले लिया, तो इसकी एंट्री बनेगी दिलीप अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर, अब ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में आ जाएंगे दिलीप 47,000 की वैल्यूएशन जो हमारी यहाँ पे मेंशन है उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट में पोस्ट कर लिया, अब हमारा क्लेम आ चुका है। उसके बाद राज ने 3500 का मटेरियल 2750 में टुक ओवर किया, तो ये अमाउंट को हम कभी नहीं लेते, जितनी वैल्यू का लिया जा रहा है जितना एस्टिमेटेड वैल्यू होती है उसी की एंट्री हम यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे होगा बाय राज 2750। तो यहाँ तक हमने सारे ट्रांजैक्शन भर दिए डेबिट और क्रेडिट ऑफ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब हम थोड़ा चलते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में, तो इस सब में थोड़ा हम क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाते हैं। अब क्रेडिटर में हमने परचेज कितनी की है टोटल 89,000, अब यहाँ पे डेबिट में हमारी क्रेडिटर के नाम में डेबिट हो रहा है परचेजेस, अब क्रेडिटर में हम लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर 89,000, सबसे पहले हमने क्रेडिटर से कितना परचेज किया 89,000, अब हमने पहली पेमेंट जो एडवांस दी है वो हमने दी थी 52,000
फ्रॉम जेड बैंक। अब इसकी एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू जेड बैंक 52,000। उसके बाद फाइनल हमने क्रेडिटर को पेमेंट दी है 35,500 इन फुल सेटलमेंट। तो जहां पे हमारा वर्ड फुल सेटलमेंट होता है, इसका मतलब जो रिमेनिंग आंसर होगा दैट विल बी डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पे हमने किया टू जेड बैंक 35,500 और रिमेनिंग जो आंसर होगा दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर, वो हमारा बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड 1500। तो ये हमने क्रेडिटर अकाउंट बना लिया, 89,000 हमारा क्रेडिट है और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में आएगी बिकॉज दैट इज ए डिस्काउंट रिसीव्ड 1500। हमने जो भी क्रेडिटर को पे किया वहां से हमें डिस्काउंट अवेलेबल हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, उसको हम इनकम मानते हैं और इनकम को हम करेंगे जॉइंट वेंचर को क्रेडिट। तो यहाँ पे 1500 की पोस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर से जो मिला 1500। अब हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया, साथ में हमने क्रेडिटर अकाउंट भी बना लिया। जो क्रेडिटर अकाउंट से हमें डिस्काउंट मिलता है, जो हमें कंसेशन मिला, जो हमारी डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, उसको भी हमने इस सम में जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में लिख दिया 1500 बिकॉज दैट इज इनकम फॉर जॉइंट वेंचर। तो अगर हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है, वो डेबिट हो जाता है। अगर हमें छूट मिलती है, कंसेशन मिलता है, तो वो हमारी इनकम होती है 1500। अब इस सम में हमने डेबिट साइड की, डेबिट हमारी एक्सीड करेगी और यहाँ पे हमें मिलेगा लॉस। अब यहाँ पे जॉइंट वेंचर में हमारे टू को वेंचरर को लॉस हो रहा है और उनकी रेशियो है 3:2। अब 2750 को हमने लॉस में बांटा, ये बनेगा 1650 जो दिलीप का लॉस होगा और राज का बनेगा 1100। तो यहाँ पे रेशियो हमने वही ली 3:2। एक नई बात इस अकाउंट में ये है कि हमने एबनॉर्मल लॉस को इग्नोर करना है और हमें ओनली क्लेम को रिसीव करना है। जो भी हमें क्लेम मिलेगा वो जाएगा बाय जॉइंट बैंक में। तो ये हमने कर दिया, ये हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट हो गया, लॉस मिला ये हमने शेयर कर दिया 1650 एंड 1100। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बनेगा को वेंचरर्स अकाउंट। अब हमें दिलीप और राज का को वेंचरर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले जब भी हम को वेंचरर अकाउंट बनाते हैं उनका कंट्रीब्यूशन चेक किया जाता है जो उन्होंने इनिशियली कंट्रीब्यूट किया। ये अमाउंट होगा 45,000 एंड 20,000। 45,000 दिलीप ने किया, 20,000 राज ने किया। इसकी एंट्री बनती है ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू दिलीप अकाउंट टू राज अकाउंट। अब इसमें आ रहे हैं तो ये बनेगा बाय जॉइंट बैंक 45,000 दिलीप का और राज का होगा 20,000, दोनों मिलेगा क्रेडिट। अब हमने देखना है जो यहाँ पे जिनका नेम होगा डेबिट में उनकी पोस्टिंग हम जॉइंट अपने को वेंचरर में क्रेडिट में करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है टू दिलीप, जॉइंट वेंचर में अगर टू दिलीप होगा तो इसकी पोस्टिंग होगी दिलीप में बाय जॉइंट वेंचर। तो ये हमने 9250 की एंट्री को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया क्योंकि यहाँ पे दिलीप ने कंट्रीब्यूट किया था, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली अब जो क्रेडिट में है, अब दिलीप ने शेयर लिए थे बाय दिलीप 47,000, अगर दिलीप ने कोई शेयर टेक ओवर किए तो अब दिलीप को डेबिट मिलेगा 47,000 का। तो हमने लिखा टू जॉइंट वेंचर, दिलीप को मिलेगा 47,000 का डेबिट और राज को मिलेगा 2750 का डेबिट, क्योंकि उसने मटेरियल जो 3500 का था उसने टुक ओवर किया 2750 में। तो अगर कोई मटेरियल टुक ओवर करता है तो उसको वेंचरर को हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 2750 डेबिट। अब हमारे क्रेडिट और डेबिट में अगर हम कंपेयर करें तो हमारी क्रेडिट साइड दोनों में एक्सीड कर रही है, इसका मतलब दिलीप को भी पे करने पड़ेंगे 5600 और राज को पे करना पड़ेगा 16150।
तो टोटल हमारा को वेंचरर में मैच कर जाएगा। अब लास्ट जो हमारा स्टेप होता है, जो हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में करते हैं, वहां पे हमें बनाना होता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अब हम आ रहे हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट में, तो ज्वाइंट बैंक में सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना मिला, 45,000 और 20,000 जो मनी ज्वाइंट बैंक में डिपॉजिट हुई, सबसे पहले हम वही एंट्री करेंगे। तो ये बनेगा 45,000 टू दिलीप, टू राज बनेगा 20,000। उसके बाद जो हमारा सेल का प्राइस है ज्वाइंट बैंक, जो हमने सेल की 84,000, ये भी हमारा आएगा टू ज्वाइंट वेंचर डेबिट में आएगा 84,000। उसके बाद जो हमने इंश्योरेंस क्लेम लिया, जो हमें मिला 2,000 का इंश्योरेंस क्लेम, ये हमें यहाँ पे क्रेडिट था ज्वाइंट वेंचर के, अब ज्वाइंट बैंक में डेबिट होगा टू ज्वाइंट वेंचर इंश्योरेंस क्लेम 2,000। ये सेल की मनी होगी, ये क्लेम होगा 2,000। उसके बाद जो हमने अब पेमेंट दी, सबसे पहले हमने दिलीप को पेमेंट दी है 5,600 बाय दिलीप 5,600 बाय राज 16,150। उसके बाद हम क्रेडिटर अकाउंट में आते हैं, क्रेडिटर में जो हमने पेमेंट दी है वो भी हमारी वहां पे क्रेडिट हो जाएगी। अब हमने दिया एडवांस पेड टू क्रेडिटर, तो यहाँ पे 52,000, हमने 35,500 दी, ये भी यहाँ पे क्रेडिट हो गए। उसके बाद जो हमने मटेरियल और वेजेस की, यहाँ पे ज्वाइंट बैंक का पेयर हो रहा है, वो हमने पेमेंट में लेना है, तो यहाँ पे ज्वाइंट बैंक आ रहा है 36,000, तो ये आएगा बाय ज्वाइंट वेंचर। उसके बाद 2,500 की वेजेस और मटीरियल, हमने मटीरियल पे किया 2,500 का, तो ये भी हमारा क्रेडिट में आएगा बाय ज्वाइंट वेंचर। और लास्ट में जो हमने फी पे की कैश में, वो भी आएगा बाय ज्वाइंट वेंचर 3,250, ये भी हमने पे किया। अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे टोटल बनेगा 1,51,000, बोथ साइड्स विल बी मैचिंग। तो ये सब मैंने किया क्योंकि यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस आ रहा है, तो हमें जब भी यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस मिलेगा ज्वाइंट वेंचर में, that has to be totally ignored, we have to only consider insurance claim which co-venturers are going to receive. जो हमारे co-venturer receive करते हैं वही insurance claim हम लेते हैं, कोई भी अब normal loss का treatment हमारे joint venture में नहीं होता। और ये सामने हमने थोड़ा creditor account भी बनाया, creditor से हमें जो discount receive हुआ ये business में credit हो जाता है, ये हमने joint venture में credit भी किया। तो ये सब थोड़ा अलग था, तो इसलिए हमें इस सब का थोड़ा ध्यान देना है। आई शैल बी कमिंग विद मोर सम ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। थैंक यू वेरी मच।